Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to Reflections. So if you remember from last time, we are discussing the graduate studies and we're discussing admissions to PhDs and masters. आज की इस डिस्कशन को थोड़ा सा हमने इंटरेक्टिव बनाया है बिकॉज एज यू नो कि पिछले डिस्कशन में हमने बात की थी कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो यूएस का है. लिहाजा टुडे वी आर वेरी लकी टू हैव विद अस a very close friend of mine and a very accomplished individual, Dr. Awais Athar, jinka masters aur PhD dono Cambridge se hain aur ye UK mein hi, in fact Cambridge mein hi European Bioinformatics Institute mein aajkal job kar rahe hain. His work is related to research and development both. Inka aur hamara saath jo hai wo dosti ka bhi hai, research ka bhi hai. We have written papers together. He's very kind to dedicate time towards our lab as well. Aur aaj inhone hame waqt diya hai. So welcome to this session, Dr. Awais. Thank you so much. I'll be on mute and I'll try to chime in as much as possible. Perfect. Thank you so much, Awais. So aaj ka hamara goal ye hai ki we'll be discussing broadly a few things jisme US aur UK mein kuch major differences hain taki aap log us etbar se apni jo planning hai wo kar sake. और एक और एंगल जो मैं दोबारा दोहरा दूंगा, ये मेरी तरफ से भी है, अवैस की तरफ से भी है, कि इस सब कुछ में जहन में रखिएगा कि ये हम n इज इक्वल टू 2 के एक्सपीरियंसेस हैं, हम दो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं. सो ये जितने जनरलाइजेबल हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस कैवियट के साथ ही इनको देखें और अपनी रिसर्च करें और सीनियर से बात करें, अपने टीचर से बात करें, टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव, बेटर ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑन दी एडमिशंस. अच्छा जनाब, सो लेट्स बिगिन. आज का हमारा जो पहला डिस्कशन का पॉइंट है वो है फंडिंग अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज आप अगर यूएस या यूके कहीं मास्टर्स या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो दीज प्रोग्राम्स आर यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव और इट्स नॉट एडवाइजेबल वैसे भी कि आप इसके लिए खुद पे कर रहे हो या अपने पेरेंट्स से पे करवा रहे हो. ये वैसे भी फॉर ग्रेजुएट स्टडीज दैट्स नॉट द राइट पाथ वे टू गो. और आपकी टैलेंट और कैपेबिलिटीज की बेस पर देर आर मेनी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल एंड इट्स यूजुअली द केस दैट यू आर एबल टू सिक्योर फंडिंग टू सपोर्ट योर एंटायर मास्टर्स और योर पीएचडी प्रोग्राम. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ एंड देन विल स्विच टू अवेयर फॉर मोर डिटेल्स फ्रॉम द यूके साइड. फंडिंग की यूजुअली जो कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं उसमें एक कैटेगरी तो है कि जिसको हम थर्ड पार्टी फंडिंग कहते हैं. ये उस किस्म की फंडिंग्स हैं जस्ट लाइक फुलब्राइट या कॉमनवेल्थ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फंडिंग. ये वो है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी यूनिवर्सिटी या आपसे नहीं, कोई तीसरी पार्टी फंड कर रही. एक फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके प्रोफेसर की तरफ से, पोटेंशियल एडवाइजर की तरफ से आती हैं. सो प्रोफेसर के पास यूएस या यूके में ग्रांट्स होती हैं जिसपे वो पीएचडी स्टूडेंट्स को उन्होंने बिल्ड किया हुआ होता है और दे यूजुअली हायर पीपल और ऑब्वियसली उनकी स्किल्स की बेस के ऊपर वो हायर करते हैं एंड देन दे फंड द होल पीएचडी या मास्टर्स. सिमिलरली, और ये ज्यादा पीएचडी में एप्लीकेबल है, मास्टर्स में बाय द वे इतने नहीं, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज की बाज़ दफ़ा अपनी फंडिंग्स होती हैं जो अवेलेबल हैं कि अगर वो दाखिला दे देंगे तो आपको गारंटीड फंडिंग है कि आपने उसके उस फंडिंग के ऊपर आप अपना प्रोग्राम कम्प्लीट कर सकते हैं. एंड देन फाइनली अगर कुछ ना हो तो टीएशिप्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं. यूजली टीएशिप्स पे रियली वेल इन यूएस एंड यूके और इन अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आप अपना ग्रेजुएट स्टडीज कर सकते हैं. नाउ बिफोर आई गो इनटू द यूएस साइड, हम डॉक्टर अवैस की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं इस पूरी चीज पर. राइट, सो आई मीन सिंस वी आर कंपेयरिंग यूएस एंड यूके, तो तीन जो आपने कह लो बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन की हुई है चीजों की, सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टैंड्स देयर इज दैट. द ओनली डिफरेंस अगेन इज के पीएचडी के लिए जो फंडिंग सुपरवाइजर की तरफ से होती है दैट कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एज वेल, और वो कभी इंडस्ट्री की फंडिंग आ रही होती है यहाँ पे यूके में मोस्टली, और कभी यूनिवर्सिटी की अपनी फंडिंग आ रही होती है, और कभी different societies या bursaries जैसे होती हैं वो funding दे रही होती हैं, which this stands, the third one stands true for masters as well. So for example, there might be some societies यहाँ पे जैसे Noon Foundation है as one example, जो कि आपको masters की funding देती है और specially for Pakistani people देती है. So there are like very focused कहलें scholarships available which are only available for Pakistani students. For example, Noon की बात कर रहा हूँ या Commonwealth, जिस पे I mean I've sort of been involved in both एक किस्म के, अब दोनों partially मिली थी. So again, this is again disclaimer, this is just my experience and experience of other people that I've worked with और जो मेरे साथ थे. So these इस किस्म की जो funding opportunities होती हैं they are open as well. The only thing is कि when you're applying for scholarships then you have to apply for them sometimes along with the application जो आपकी university की होती है, sometimes extra work होता है थोड़ा सा. So you have to like really go into the website of the university that you're applying. कहीं ना कहीं भी आपको ये नजर आ जाता है कि यार these are the funding which are available for your country specifically या आपकी condition में.
and then you go and apply for that. So Aves, ye inke timeline kya hoti hai? So aapne Noon Foundation aur Commonwealth ka hai, usually admission ke saath timeline kya hoti hai aur ye iska structure kya hai ki aap directly let's say Cambridge apply karenge ya Oxford apply karenge ya aap pehle funding mein jaakar funding apply karenge and then admission karenge, to thoda sa agar ye perspective aa jaye. Acha, interestingly, Noon Foundation, by the way, I think it's only for Cambridge, or maybe Oxford ke liye bhi hai. So again, my experience is only for these two universities. और यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं. एटलीस्ट कैम्ब्रिज में ये होता है कि व्हेन यू अप्लाइंग यू आर ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड फॉर ऑल द पॉसिबल एप्लीकेशन. ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ और इस तरह की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको हम बर्सरीज बोलते हैं. सो इफ यू टेक लेट्स से मास्टर्स की बात करते हैं, तो इफ यू टेक द मास्टर्स एज अ होल, तो कुछ तो ऐसा है जो आपने यूनिवर्सिटी की फीस देनी है. ठीक है, और कुछ ऐसा है जो आपने ऑब्वियसली रहना दी है और खाना है और बाकी सारी चीजें जो उनसे इन्वॉल्व होती हैं इन अ नॉर्मल लिविंग वो होती हैं. तो कुछ बर्सरी स्पेसिफिक होती हैं कि ठीक है यूनिवर्सिटी की फीस कोई और कवर कर ले, बर्सरी हम आपको दे देंगे, विच इज लाइक अ स्टाइपेंड सॉर्ट ऑफ थिंग दैट एनेबल्स यू टू सॉर्ट ऑफ फोकस ऑन योर स्टडीज. तो समटाइम्स ये होता है कि बर्सरीज के लिए आपको स्पेशली जाके ट्रेस आउट करके कि कौन सी अवेलेबल है वो अप्लाई करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ दीज कम आफ्टर योर एडमिशन. So once you're admitted, then you can apply for bursaries. Lekin some of them, like I said earlier, ki aur application ke saath hi aap kar sakte ho apply. Theek hai, kuch aisi bhi hain ki jo aapko main extra work ki baat kar raha tha. For example, agar aap Shell Sanctuary ke liye apply karte ho ya things like that, jo unki extra hoti hain on top of the university side, uske liye karte ho, they count as third party, but they might ask you to appear for an interview, for example, or write an essay on whatever you want to achieve from your master's degree. So I mean, like I said earlier, सब कुछ वेरी करता है. अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टार्ट से करोगे तो दैट स्टार्ट्स मच अर्लियर. सो थिंक ऑफ इट दिस वे के अभी आप आगे बात करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं फॉर एप्लीकेशन, उसमें जीआरई से भी पहले आपको बाज़ दफ़ा ये अप्लाई करना पड़ता है. बाज़ दफ़ा ये होता है कि दे एक्चुअली आस्क यू कि आपने जीआरई कर लिया क्लियर कि नहीं, एंड देन दे आस्क यू फॉर एप्लीकेशन थ्रू दैट. सो आई मीन अगेन वेरी करता है. And if I were, well, I was in that place for 10, 15 years ago. So I just make a spreadsheet, one sheet for every university. And then side requirements note down kar li. And be a bit organized in this maamle mein. Agar aapko ye batao ki yaar maine kab kaun si deadline karni hai. Start early, like a year before you actually want to apply. Actually, 2 years before you actually want to apply, or 1.5. That's great to know. So ab isme thoda sa main isi baat mein US side se bhi add karta hu. So hamare paas jo main funding opportunity US ke liye hai, jo in fact the one that I availed, I was a Fulbright scholar, so wo Fulbright ki hai. Aur Fulbright ka kafi bada cohort jata hai US ke liye har saal. So usually it's around 100 master students and 55 ke kareeb PhD students, as opposed to an opportunity like Commonwealth jis pe Aves gaye the, which is very competitive. Jahan tak mujhe yaad hai jab ye gaye the to shayad हर सूबे से एक या दो लोग थे जिनको उन्होंने भिजवाया था. इट वाज समथिंग लाइक दैट अवेस. ओके, आई एम गोना लेट इट अनम्यूट फॉर नाउ. एंड यस, इट वाज समथिंग लाइक दैट. और बट लिमिटेड सा होता है फॉर दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू चल रही थी. राइट. सो अब फुलब्राइट के केस में अगर आप अप्लाई करते हैं, सो थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं. और वैसे पहले हम अगर जरा हाई लेवल पे देखें, फुलब्राइट है, एचईसी की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं. एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि इन तमाम जिन नामों को आप सुन रहे हैं इनको या तो सब्सक्राइब कर लें इनके कोई लेटर्स वगैरह के लिए, या इनकी वेबसाइट्स को बुक मार्क कर लें और उसको जाकर देखते रहें. टाइमलाइन की भी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ. सो फुलब्राइट का एंगल ये है कि इट्स अ थर्ड पार्टी फंडिंग दैट सपोर्ट्स योर कम्प्लीट प्रोग्राम, और ये मास्टर्स और पीएचडी दोनों को कर रहा है. और उसमें यह है कि इनका जो साइकिल है ये पहले शुरू होता है. यूजुअली आपका जो एडमिशन साइकिल है उसका टाइमलाइन होती है तकरीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर इश, यानी आपने कहीं अक्टूबर नवंबर से एप्लीकेशन जमा कराना शुरू की. देयर आर डिफरेंट डेडलाइंस फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड इट्स सिमिलर बिटवीन यूएस एंड यूके. लेकिन जो ये वाले हैं, जैसे अवैस ने भी कहा कि ये बहुत पहले से थर्ड पार्टी फंडिंग की एप्लीकेशंस ओपन होती हैं. सो फॉर एग्जांपल फुलब्राइट ओपन्स अप इट्स एप्लीकेशंस अराउंड फरवरी मार्च. तो आप फरवरी मार्च में आपने फुलब्राइट के लिए अप्लाई किया, उसको खुद को चाहिए आपके जीआरई के मार्क्स, तो आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उनको चाहिए. वो अपना प्रोसेस यहाँ से शुरू करेंगे और वो कहीं जाकर अक्टूबर नवंबर तक आपको फाइनलाइज कर देंगे कि आपको मिल गया है या नहीं मिला. सो यू सिक्योर द फंडिंग फर्स्ट एंड देन द फंडिंग एजेंसी इटसेल्फ अप्लाइज फॉर योर एडमिशन. वो आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में करना है, कुछ वो आपकी मर्जी पे करेंगे, कुछ वो अपनी मर्जी की करेंगे. एंड देन एज सून एज यू गेट एन एडमिशन टू अ हायर प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी इन योर लिस्ट, तो वो लोअर वालों को छोड़ देंगे और आपको वहां पर हायर वाले के अंदर एडमिट करवा देंगे.
सो आपने लेट से इस साल अगर मार्च में शुरू किया होता तो आप इससे अगले साल के अगस्त में पीएचडी करने जा रहे होते या मास्टर्स करने जा रहे होते. सो 2022 के लेट से अगर आपने 2021 के अगर आपने मार्च में अप्लाई किया तो 2022 के अगस्त में आपकी मास्टर्स या पीएचडी शुरू होगी. दैट्स लाइक द टाइमलाइन व्हिच यू आर लुकिंग एट. और इसके बीच में फुलब्राइट के अपने इंटरव्यूज इन्वॉल्व होंगे, उनके अपने जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होगा. And it's something similar, जो कि HEC के केस में, HEC के बाय द वे पूरे यूरोप के लिए भी फंडिंग्स हैं, उनकी US के लिए भी फंडिंग्स हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनकी वेबसाइट्स को जो है वो अपने पास बुकमार्क करके रख लें. तो ये तो है हमारा तक. अच्छा, इसमें एक बात ना मैं अलग से थोड़ा सा कहना चाहूँगा फुलब्राइट के ऊपर या कॉमनवेल्थ के ऊपर. एक थोड़ा सा जो आप इधर उधर से सुनते हैं, जो नेगेटिव एक कॉमेंट आता है वो ये कि जी पाकिस्तान वापस आना पड़ता है. ये बिल्कुल है, इनमें से अक्सर में रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान फॉर अ सर्टेन पीरियड. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान फॉर द सेम ड्यूरेशन जितना मेरा पीएचडी का हो. सो मैं 2010 में गया था, 2015 में वापस आया था, और 15 के बाद 20 तक मेरी रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान में रुकने की ड्यू टू डिफरेंट reasons. कुछ यूएस की तरफ से थी, कुछ HEC की तरफ से थी, एंड नाउ इट्स फाइनली ओवर एंड नाउ आई कैन गो एनीवेयर. तो लेकिन इसके भी कैवियट्स हैं, इसमें भी आगे डिटेल्स हैं फर्दर. ये कोई इतनी रिस्ट्रिक्टिव चीज नहीं है जितनी हमें बाज दफा लगती है, बट ऑब्वियसली यू नीड टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर ओन एम्स. अगर आप पीएचडी करते ही अमेरिका में या यूके के अंदर वहां पर प्रोफेसरशिप शुरू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देन दीज फंडिंग्स माइट नॉट बी द राइट वंस फॉर यू. अच्छा, वेरी ब्रीफली, जो प्रोफेसर की फंडिंग्स हैं ये यूजुअली प्रोफेसर एडवर्टाइज करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर. सो अगर उनके पास पहले से लोग मौजूद ना हो तो वो अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं कि हम इतने पीएचडी स्टूडेंट इस साल हायर कर रहे हैं. एंड दिस इज डन मच अर्लियर, लाइक ये अभी तक हो चुका होगा इस साल के लिए, यानी अगले साल के एडमिशन के लिए. तो ये एनीवेयर इन द समर ये एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं. बाज़ प्रोफेसर्स की तो पूरे साल ऑन रहती हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां भी आपको दाखिला लेना है आप उस फील्ड की यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स इनको पहले से इनकी लिस्ट बनाकर रखें. और जैसे अवैस ने कहा कि वन एक्सेल शीट पर यूनिवर्सिटी एंड देन मे बी विद इन दैट एक्सेल शीट द डिटेल्स ऑफ योर प्रोफेसर्स, तो ये आपके पास पहले से हो ताकि आप उन चीजों के लिए राइट टाइम पे अप्लाई कर रहे हो और आप उन फंडिंग्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. अवैस, एनीथिंग एल्स दैट वी मे वांट टू ऐड अबाउट द फंडिंग्स हियर? Nothing immediately comes to mind right now. UK में थोड़ा सा difference ये जरूर होता है कि वो like I said professor की अपनी funding agency होती है. It's usually tied to an industry grant या कोई यहाँ की जो national agency है उसकी तरफ से grants. So for PhD, अगर आपने PhD admission लेना है and you think you qualify for the criteria, entrance की कोई as such annual requirement नहीं है. एटलीस्ट कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड के इसके इलाकों में नॉर्मल तीन टर्म्स होती हैं, तो तीनों टर्म में आप कभी भी एंटर हो सकते हो. इट्स नॉट बिग एन इशू कि यार आप साल पहले अप्लाई कर रहे हो. बाद दफा ऐसा भी होता है कि इफ यू आर लाइक इफ यू फिट द प्रोफाइल यू कैन गेट इन लाइक थ्री मंथ्स एज लॉन्ग एज योर पीएचडी सुपरवाइजर पोटेंशियल पीएचडी सुपरवाइजर इज हैप्पी. एक बात मैं और यहाँ ऐड करना चाहूंगा वो है एडमिशन के एक और एंगल से. बहुत सी यूनिवर्सिटीज, एंड आई नो दिस इज सर्टेनली ट्रू फॉर माय यूनिवर्सिटी कार्नेगी मेलन में इसी तरह से था कि वो आपको पीएचडी में एडमिशन ही तब देंगे इफ यू हैव अ गारंटीड फंडिंग. अच्छा, अब ये दोनों तरह चलता है. या तो आप अपनी एप्लीकेशन में कहेंगे आई ऑलरेडी हैव फंडिंग तो मैं फुलब्राइट लेट से लेकर आ रहा हूँ, तो तब आपकी जो स्क्रूटिनी है उसके अंदर ये चीज ऑलरेडी कंसिडर होगी कि यू आर गिवन एन एज कि इसके पास तो पैसे भी हैं ऑलरेडी अपनी पूरी पीएचडी करने के. और दूसरी चीज ये भी है कि थोड़ा सा आपको ये भी मिल रहा है कि ये एक स्क्रूटनी से ऑलरेडी गुजर चुका है कि इसको ये फंडिंग मिल गई है. अच्छा, दूसरा एंगल ये है कि अगर नहीं है आपके पास तो वो ऑलरेडी पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी न किसी प्रोफेसर से गारंटी ऑफ फंडिंग लेते हैं. सो इफ देयर इज नो गारंटी ऑफ फंडिंग फ्रॉम अ प्रोफेसर और एनी अदर सोर्स देन दे वोंट इवन ऑफर यू एन एडमिशन. तो इस वजह से ये ना आप सोचें कि अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है फिलहाल, अभी शुरू हो रहा है ना तो शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि जी हम अगर ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा. इवन इफ यू डायरेक्टली अप्लाई फॉर एन एडमिशन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप एडमिट हो गए तो आपको फंडिंग फॉर अ पीएचडी मिल जाएगी. मास्टर्स इज मोर ट्रिकी, उसकी जरा फंडिंग थोड़ी सी कम अवेलेबल होती है. तो इट्स बेटर कि आप उसके लिए पहले से देखना शुरू करें कि जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. Yes, maybe we should move on. जी जी, please. जी. Just remember it कि यार हाँ conditional offer एक चीज होती है कि it's conditioned on your acceptance. अगर your acceptance is conditioned on these things, उनमें से जो top होती है वो funding होती है. The second part is what I think you're going to talk about, which is like entrance exams and prerequisites for that. बिल्कुल. So let's move to the entrance exams now. So ये इनको हम entrance exams या threshold exams कहते हैं, जिनका आमतौर पे इसका नजरिया ये होता है इनके बारे में कि अगर आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, जो कि पर इंस्टीट्यूट पर यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है, अगर वो मार्क्स थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली तो आपको दाखिला मिल जाएगा, नहीं की तो आप वैसे ही रिजेक्टेड.
ये यूजुअली इनके बारे में ये पर्सपेक्टिव होता है इनमें. फॉर एग्जांपल यूएस साइड के ऊपर द मेन वंस आर टॉफल एंड जीआरई, और फॉर सम यूनिवर्सिटीज लाइक फॉर एमआईटी देयर इज अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स आईएलटीएस, कि आपने आईएलटीएस दिया हो तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आपने अगर टॉफल दिया हो. और ये भी वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, तो आपको ये पहले से देखना पड़ेगा कि जहां आप जाना चाह रहे हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. अच्छा, अब इसमें एक तो थ्रेश होल्डिंग का एंगल है, मैं थोड़ी सी उस पर बात कर लेता हूँ बिफोर वी गो टू अवेस और यूके वाली साइड को इसमें हम देखें. इसमें ये है कि जीआरई के लिए एक चीज जो हम जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जीआरई देने से 5 दिन पहले और ये कहते हैं कि इंग्लिश की वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करें, दैट्स वन ऑफ अ बिगर चैलेंजेस. मैथ्स तो आप मैनेज कर ही लेते हैं, वहां सिर्फ टाइमिंग का ज्यादा मसला होता है, जो आप क्विज में भी कंप्लेन करते हैं ना कि टाइम कम है, तो वो जीआरई में बहुत कम होता है. तो जो हमारे जीआरई की वोकैबुलरी का मामला है उसके लिए नाउ इज द राइट टाइम टू बिल्ड इट. And the way to do that is to inculcate reading skills. अभी से पढ़ना शुरू करें, कोई किताबें, कोई कहानियां, कुछ novels, कुछ भी research papers, books, anything. You should be reading a lot. ताकि आपकी vocabulary naturally build हो रही हो, वो आपको आखिर में जाके 3500 words की vocabulary list जो है ना वो cram ना करनी पड़े कि वो पूरी याद की भी और उसकी meaning याद की है. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक और angle beyond just thresholding, वो ये भी होता है कि for example an exam like TOEFL जो कि आपकी और IELTS ये दोनों, ये आपकी ना 4 स्किल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं प्राइमरीली, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये स्किल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं. एक तो इसमें थ्रेशहोल्डिंग का एंगल है कि अगर खास नंबर से कम हुए तो यूनिवर्सिटी हो सकता है कि आपको एडमिशन ही ना दे. दूसरा इसमें एंगल ये भी है कि अगर इसमें आपने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए तो बाज दफा देर आर इट्स अ डोर ओपनर फॉर यू इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी में ये था कि अगर मैं टीएशिप करना चाहूँ तो मुझे वहां पर आईटीए का एक टेस्ट देना पड़ता था. तो कार्नेगी मेलन में एक आईटीए का टेस्ट होता है, दैट्स लाइक एक 6-person committee के सामने आपने presentation देनी है, it's a long exam और उन्होंने evaluate करना है कि आपकी communication skills इतनी अच्छी हैं या नहीं कि you can TA. अगर आपने TOEFL के अंदर एक certain mark से ज्यादा number लिए, मैं I think it was 110 out of 120 जो उनकी requirement थी, इससे ऊपर लिए में तो फिर वो exam बहुत आसान था, एक person के साथ था और 20 minutes का exam था और मेरे marks 116 थे, so I was able to like take that route और मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी. तो ये है कि इन threshold exams को although threshold कोशिश करें कि you do well in them, and for TOEFL and IELTS for students like you it's not very difficult. ये एक एक दो दो रात की तैयारी में भी हो जाते हैं. GRE है जिसके लिए ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है. अवैस राइट, मैं तो भूल चुका हूँ GRE कब दिया था, लाइक एजेस अगो लग रहा है, बट आई रिमेम्बर रीडिंग थ्रू अ वेरी बुक, सो ब्लैक बुक बोलते थे, द बिग ब्लैक बुक, वेयर यू एक्चुअली हैड टू प्रिपेयर काफी अरसे पहले से, एंड काफी अरसा आई थिंक वी स्टार्टेड लाइक मच मोर देन अ ईयर बिफोर वी एक्चुअली हैड टू टेक द एग्जाम. Around 8 months is fine from what I remember. Obviously, मैं उन्हें से दूर की बातें कर रहा हूँ. हम भी बच्चे होते थे तो उस वक्त तक से अब तक काफी चीजें चेंज हो चुकी होंगी. I'm pretty sure as far as vocabulary is concerned, now is the best time to start if you haven't started already. काफी मतलब given the conditions जैसा कि हमें पढ़ाई जाती है और जिस तरह की universities का काफी अच्छा standard हो गया माशाल्लाह, so we don't really need to focus on like you said IELTS and TOEFL. लेकिन अभी मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमने तकरीबन ये तीनों एग्जाम दिए में कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है. तो इन माय एक्सपीरियंस मेरा जब मास्टर्स में एडमिशन होता, आई रिमेम्बर आई डिड नॉट हैव आईएलटीएस बट आई हैड टॉफल का स्कोर जो मैंने यूएस एडमिशन के लिए था तो यहाँ पे चल गया था, वाजंट अ बिग डील. पीएचडी के लिए मुझे दोबारा आईएलटीएस देना पड़ा था, दैट्स बिकॉज डिस्पाइट हैविंग अ डिग्री इंग्लिश की कुछ रिक्वायरमेंट थी फंडिंग एजेंसी की कि आपने आईएलटीएस देना, तो समटाइम्स यू हैव टू लाइक एक्स्ट्रा effort भी put करनी पड़ती है, which is fine. I mean, in the larger scheme of things, that's fine. UK की universities में कौन-कौन से exams हैं? Is GRE relevant to some places like Cambridge and Oxford and Edinburgh? या फिर खाली जो है वो ये language exams important हैं वहाँ के? Yeah, language exam, like you said, it's more like a threshold exam. तो normally ये होता है कि जी आपका 6.5 से ज़्यादा IELTS का score होना चाहिए या TOEFL का भी जो भी corresponding बनता है, I don't even remember क्या होता है. So that's like a requirement. That's it. इससे आपको as far as I know कोई बहुत advantage नहीं मिल रहा होता कहीं पे, but ये जरूर होता है कि हाँ sometimes for example IELTS के exam में I remember कि यार आपको accents का थोड़ा सा problem होता है, तो you sort of cover that up कि अच्छा different accents आप they just make sure कि you are able to communicate and that's it. तो otherwise कोई खास difference नहीं है. It's just a threshold exam, just making sure that you understand and you can communicate well in the language of their choice right now. Excellent. और इसमें जो है वो एक चीज ये भी है कि Fulbright के लिए usually जो requirement है ना GRE के marks की वो काफी low है. So जिस वक्त मैंने दिया था तो उस वक्त Fulbright की requirement थी, उस वक्त I think out of
1600 शायद होते थे मार्क्स, ऐसे कुछ था, और 1600 थे वैसे, डू यू रिमेम्बर? यार मैंने जब दिया था तो 2400 होते थे, तो आई माइट बी ओल्डर, राइट? एंड इवन द 1600 हैज चेंज्ड नाउ, सो 1600 में से फुलब्राइट की रिक्वायरमेंट 800 की थी, इट वाज लाइक एक्सट्रीमली लो, या बस आपको बेसिक सा कर लें, सो डोंट गो बाय दोस रिक्वायरमेंट्स. आपको जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो दोस रिक्वायरमेंट्स वुड बी प्रीटी हाई. एंड बिकॉज यू आर टेक पीपल, तो ये जहन में रखें कि आपके जो क्वान्टिटेटिव है, जो मैथ्स का सेक्शन है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग क्लोज टू फुल मार्क्स. जो आपका वोकैबुलरी का सेक्शन, जो आपका जो इंग्लिश के जो स्किल वाला सेक्शन है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज फिर भी हो सकता है. वहां पे एक तो नंबर आते हैं बहुत ज्यादा हाई नहीं है, दूसरा ये है कि अगर आप भी जाएं तो वो आपकी सीएस की स्किल्स इतना ज्यादा शो नहीं कर रहे हैं. सो फॉर इंजीनियरिंग एंड सीएस मेजर्स, इंग्लिश वाली साइड पे थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन मैथ्स वाली साइड पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता. सो यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. और वहाँ चैलेंज है टाइम का, बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, होते तो आसान से सवाल है लेकिन टाइम नहीं होता उनको करने का. सो यू रियली नीड टू लाइक टाइम योरसेल्फ एंड पेस योरसेल्फ. अच्छा जनाब, सो अब हम एक डिस्कशन में एक आखिरी बात प्राइमरीली है जिसको हम शुरू करेंगे, और वो है यूएस और यूके की पीएचडी में थोड़े से डिफरेंसेस को. वी आर लकी कि हमारे साथ अवैस हैं, तो हमने कहा कि इस मौजू को भी साथ ही कवर कर लेते हैं, बिकॉज दोनों तरफ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं पीएचडी की एक्सपेक्टेशन के, उसके स्ट्रक्चर के, कि उसमें क्या हो रहा होगा. सो मे बी लेट स्टार्ट विद यूके फर्स्ट, और उसके बाद में यूएस की थोड़ी सी बात करता हूँ. हाँ, सबसे पहले यूके से शुरू करो, क्वेश्चन करें कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप. मे बी आई विल स्टार्ट विद इंटरव्यूज मे बी. सो इफ दैट्स ओके, मास्टर्स के लिए नॉर्मली जो फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर अगेन लाइक यू सेड एन इज इक्वल टू 2 है, तो मेरे लिए एन इज इक्वल टू 1 है. एंड बाकी जो मेरे बैचमेट्स थे उनका साथ भी यही हुआ था कि मास्टर्स के लिए आपका एक आफ्टर द इनिशियल एप्लीकेशन एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था. ठीक है, उस जमाने में भी स्काइप पे था, अब स्काइप की स्पीड आई एम प्रीटी श्योर बेहतर हो गई है, उस जमाने में सिर्फ ऑडियो पे थी. एंड दे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डू डिफरेंट थिंग्स. आई रिमेम्बर कैम्ब्रिज के लिए उन्होंने मुझसे आई थिंक 2 वीक्स पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ने को कहे हुए थे, एंड देन यू हैड टू सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई कि आर यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, और उसके बारे में क्वेश्चन थे, कुछ जेनेरिक क्वेश्चन थे, तो यू हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ डिफेंड करना है कि यार हाँ जी एंट्रेंस के ऊपर मुझे जो prerequisites हैं, I sort of know them. Same goes for Oxford. Oxford के लिए ऐसे ही हुआ था. और once you cleared that, तो फिर उसके बाद I think दोनों के लिए reply was within a week, like 2 days आ जाता है कि हाँ जी everything is okay, you can come in or something like that. तो PhD के लिए थोड़ा सा different काम होता है. PhD के लिए you have to sort of make the supervisor understand you are the best person for the job and you are interested in what they are doing and they are able to supervise you as well. तो इट्स नॉट जस्ट कि यार आप आ गए हो और पीएचडी करनी है तो चलो ठीक है डू समथिंग जो भी आपका दिल करता है. यू हैव टू फाइंड समबडी हु इज एबल टू सुपरवाइज एंड जो कि हामी भर ले के यार हाँ मैं आपको सुपरवाइज कर सकता हूँ. तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. और उसके लिए फिर समटाइम्स पीपल डू जो प्रॉपर जाके रिसर्च जिसे कहेंगे कि जी अच्छा मैं इस फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ तो इस फील्ड का प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में कौन सा अच्छा है. एंड अगेन लाइक यू सेड अर्लियर के उनके पेजेस बुक मार्क कर लिए, उनकी साइट पे जाके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते रहे कि यार फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं, बात लोग अनाउंस कर देते हैं. ट्विटर पे आजकल बहुत एक्टिव होते हैं लोग इस तरह के, यार हाँ आई हैव अ फंडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, किसी ने अप्लाई करना है तो करते हैं एंड देन वी कैन रिकमेंड पीपल. तो वो अपने आप को लाइक थोड़ा सा ना ऑन हैंड्स रखना पड़ता है अपने आप को इस सिलसिले में. बाकी वंस दैट्स डन सो यू कैन लाइक पॉसिबली स्केड्यूल अ कॉल और and you start off with an email with the professor. Or mera experience ye raha tha masters ke admission ke duran bhi ke yaar most of them reply eventually kuch ka ek mahine baad reply aaya tha kyunki obviously if you do it in the middle of summer vacation so koi masla nahi hota, you have to wait, lekin reply hamesha karte hain. Aur chahe wo aapko ye direction karte ho ki yaar haan is process se through ko guzro and then we can like come back. और पी एच डी में आई मीन यू वुड नो बेटर इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस क्योंकि मेरा इंस्टेंस थोड़ा डिफरेंट था. आई सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड विद द सेम सुपरवाइजर, सो मैंने सिर्फ मेरा एन इज इक्वल टू 1 यहाँ पे भी था कि यार सिर्फ एक बंदे को अप्लाई किया था कि यार इज दैट ओके कि नहीं. सो ठीक है, एक और चीज पे वैसे कमेंट कर दें कि जो यूके की पीएचडी है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कोर्स वर्क भी है, खाली रिसर्च है, फोकस किस चीज के ऊपर है, क्वालिफायर एग्जाम्स हैं या नहीं है और वो किस तरह के होते हैं. Okay, so one of the major differences between the US and UK PhD is time. ठीक है, तो US में जो, correct me if I'm wrong,
जो एवरेज पासिंग आउट टाइम है टू फ्रॉम द डे ऑफ एंट्रिंग टू द डे यू एक्चुअली गेट अ डिग्री इट्स अबाउट 6 to 7 years, राइट? राइट. यूके में ये चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं, इट्स मोर लाइक 3 to 4 years, ठीक है? लेकिन आई मीन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आप बहुत अच्छे हो और यू पास ऑन ऑल द रिक्वायरमेंट, आप 3 साल में भी बाहर निकल सकते हो, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली हर चीज के प्रोज हैं कौन से हैं. इस चीज में जो मेजर प्रो है वो आपका टाइम सेव हो रहा है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? एट द एक्सपेंस ऑफ कोर्स वर्क. तो बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने सॉर्ट ऑफ मेटाफोरिकली बात की थी कि यार यूके में ऐसा होता है कि यार यू टेक अ स्टूडेंट एंड यू थ्रो देम इनटू द सी और उनसे कहते हैं कि स्विम. सो जो स्विम जो सर्वाइव कर जाते हैं दे सर्वाइव, जो नहीं करते वो फिर थोड़ा सा उनको हेल्प करनी पड़ती है, लेट्स पुट इट दिस वे. तो आपको गाइडेड नहीं मिल रहा होगा कुछ. कोर्स वर्क इज मिनिमल. तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन रिमेम्बर कि हमने शायद 2 मॉड्यूल्स पढ़े थे एंड दोज मॉड्यूल्स वर मोस्टली ऑन हाउ टू डू रिसर्च, रिसर्च मेथड के मॉड्यूल थे. उसके अलावा आपका जो कोर्स वर्क होता है, मैं PhD की बात करूँ, मास्टर्स की बात नहीं करा बाय द वे स्पेसिफिकली, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी कोर्स वर्क अदर देन दैट, ठीक है? हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हो तो उनके वो ऑब्वियसली सुपरविजन के कोर्सेज वगैरह होते हैं, दैट डजंट रियली कम इनटू अकाउंट हियर. फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड मास्टर्स का सॉरी PhD का जो US में रूट होता है उसमें यू एक्चुअली हैव टू डू सम सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स ऑफ कोर्स वर्क बिफोर यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर अ PhD टॉपिक, राइट? Right. So, and there is variation. Wo bhi uski mein, I'll also discuss that. Theek hai. So, I mean, these are the two things aur baki do teen aur cheeze hain. I mean, I would come to you for this one first and then we can discuss topic by topic phir mainly. Koi qualifier wagaira involved hota hai UK side pe PhD mein? Okay. Qualifier not in the sense ke aapka academically koi exam hoga. Theek hai? So, at least Cambridge mein ye hai ke you have to do an annual report. कि मैंने इस साल में ये काम किया. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि पहले साल में यू आर डिसाइडिंग ऑन योर PhD टॉपिक. समथिंग सिमिलर टू व्हाट US में होता है कि आप PhD टॉपिक के कहीं तो आप स्ट्राइव कर रहे होते हैं ना, कुछ आप TA-ships कर रहे होते हैं या RA-ships कर रहे होते हैं और प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आपने इवेंचुअली करना है. तो इसी तरह यहाँ पे आप यू हैव सॉर्ट ऑफ टू मेक वन फर्स्ट ईयर रिपोर्ट आपने करनी है. तो उसके अंदर आपने और कुछ नहीं तो अपनी जनरल डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करनी है. And possibly PhD के thesis का topic, but it's not hard it's set in the rule. मतलब कि आप change भी कर सकते हैं बाद में जाके. तो बहुत focus भी कर सकते हैं, बहुत generic भी कर सकते हैं, depending on where your research takes you. But कोई exam नहीं है. If you want to like qualifier का जो होता है ना बैठ के आपने you have to pass a certain threshold, वो वाला काम नहीं. ठीक है. US साइड पे जैसे वैस ने कहा बिल्कुल इसी तरह से है कि एक तो ड्यूरेशन का डिफरेंस है. यूजुअली यूनिवर्सिटीज की और डिपार्टमेंट्स की जो एवरेज ड्यूरेशन है वो एनीवेयर फ्रॉम 6.5 टू 7 इयर्स होती है. मेरे डिपार्टमेंट की LTI की लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट विद इन द कंप्यूटर साइंस स्कूल उसकी 6.5 थी, 6.5 इयर्स. लेकिन हैविंग सेड दैट, फुलब्राइट की रिक्वायरमेंट है दैट यू कंप्लीट योर PhD इन 4 इयर्स. नाउ हाउ डज दैट कम टुगेदर? सो ये डे वन से आपके एडवाइजर को और आपको पता होता है कि आपने इतनी ड्यूरेशन में पूरा करना है. So Fulbright says 4 years with a possible extension up to 5 years. और इसमें ये है कि आप जब आप और आपके एडवाइजर को पता है तो यू पेस इट अकॉर्डिंगली, आप उसी स्पीड से लेकर चलते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर भी एक थोड़ा सा एक पर्सनल चीज में शेयर कर दूँ. मेरी PhD का टेक्निकली जो रिक्वायरमेंट्स थी वो 4 इयर्स में पूरी हो गई थी, बट एट दैट पॉइंट देर वॉज अ मेजर आउटकम जो कि मेरी थीसिस की लग सकती थी और वो एक और मुल्क में डिप्लॉयमेंट थी जो हम कर सकते थे. सो विद फुलब्राइट्स परमिशन वी एक्सटेंडेड इट टू द 5th ईयर और मैंने 5 साल में फिर जाकर उसको कंप्लीट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग दैट डिप्लॉयमेंट. सो इस तरह की चीजें भी होती हैं जो पॉसिबिलिटीज निकलती रहती हैं. अच्छा, एक बात. दूसरी चीज इसमें यह है कि यूजली द वे इट वर्क्स इन द US इज के आपके कुछ क्रेडिट्स हैं जो आपने कोर्स वर्क के पूरे करने. फॉर एग्जाम्पल मेरे डिपार्टमेंट में 8 कोर्सेज थे जो आपको रफली लेने पड़ते हैं. उसमें बाय द वे मुझे कुछ वेवर्स मिल गए थे बिकॉज मेरा मास्टर्स के अंदर मैंने उनमें से कुछ कोर्सेज कवर किए हुए थे. सो समटाइम्स देयर आर सच पॉसिबिलिटीज एज वेल. अच्छा, अब कोर्स वर्क के साथ साथ फॉर एग्जांपल अब यहाँ CMU का एंगल ये था कि डे वन से यू नीड टू स्टार्ट योर रिसर्च. सो आपके कुछ कोर्सेज हैं और कुछ रिसर्च क्रेडिट्स हैं जो आपने शुरू से शुरू करने हैं और वो आपको कंप्लीट करते हुए चलना है. वो ऑप्शनल नहीं है. इनफैक्ट उसके ग्रेड्स कोर्सेज के ग्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड देन वंस यू आर डन विद योर कोर्स वर्क देन अक्सर यूनिवर्सिटीज US में क्वालिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम लेती हैं, व्हिच इज लाइक वन एग्जाम बेस्ड ऑन द कोर्सेज दैट यू हैव टेकन बिफोर यू कैन स्टार्ट योर बिफोर यू कैन डिफेंड योर प्रपोजल. प्रपोजल स्टेज पे जाने से पहले आपको ये करना पड़ता है. मेरी यूनिवर्सिटी में रादर देन अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव देयर वर 4 सेपरेट रिक्वायरमेंट्स जो कि फुलफिल करनी थी.
सो जस्ट गिविंग यू एज एन एग्जाम्पल, एक टीचिंग रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए आपने कम से कम दो कोर्सेज टीए करने, एक पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए आपने कम से कम दो पेपर्स पब्लिश करने हैं पीयर रिव्यूड कॉन्फ्रेंसेज या जर्नल्स में, एक प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपने कम से कम एक था या दो था जो प्रेजेंटेशंस देनी है, विच इज लाइक अ कॉन्फ्रेंस लेवल प्रेजेंटेशन, एंड देन फाइनली देयर वाज अ कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट जो कि कंप्यूटर साइंस कोर्सेज से खुद ही आ जाती है. इफ यू आर डन विद योर प्रोग्रामिंग कोर्सेज, सो देन दैट्स ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड. एज सून एज यू आर डन विद द फोर रिक्वायरमेंट्स, यू कैन डिफेंड योर प्रपोजल. तो यूजुअली ये दूसरे साल के अंदर जाकर कहीं आप कर सकते हैं. एंड देन फाइनली जब आपने प्रपोजल डिफाइंड कर लिया, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, जैसे वैस ने कहा यूएस में भी. एंड देन एज सून एज यू एंड योर एडवाइजर एंड योर कमेटी आर सेटिस्फाइड कि अब ये इतना काम हो गया है कि इट्स डिफेंडेबल, यू कैन डिफेंड योर थीसिस, एंड देन पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू डॉक्टर. आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि क्या किसको रहे. टेक्स टाइम टू गेट यूज टू दीज टाइटल्स. बट या सो ये है रफली जो दोनों जगह. और मेजर फर्क फिर जो लग रहा है इस बात से वो ये है कि जो कोर्स वर्क वाला एंगल है वो यूके यूनिवर्सिटीज में अक्सर नहीं होता. और वो फिर आप उसके फायदे भी हैं कि जल्दी खत्म हो जाती है, नुकसान भी हैं कि लाइक यूर ऑन योर ओन. अब आपको वो गाइडेड उस तरह से नहीं रास्ता मिला है कि प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया है, आपको सीधा सीधा खुद से ही अपने तौर पर करना है. आई नो कि अवैस ने कुछ और चीजें भी डिस्कस करने का प्लान किया हुआ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. लेट मी गो बैक टू अवैस और वो जो वर्क लाइफ बैलेंस की आप बात कर रहे थे, उस पर कुछ अगर आप डिस्कस करना चाहें. Before I move on to that, I find the word defense very interesting. Okay, सीधा war का metaphor है. Actually, I remember कि एक university ऐसी भी है यूरोप में. I forgotten the name. अगर याद भी होता तो मैं ना बोलता. They actually present you a sword after you're done with your PhD. Wow. So it maps. But जो defense वाली बात है उसको कह लें कि यार यहाँ पे भी Viva बोलते हैं first year में UK में. और you have to like make sure that you understand what you're getting into. So, पहले साल के वाइवा में सामने एग्जामिनर बैठे होते हैं दो और तीन डिपेंडिंग. और द सेम इज ट्रू फॉर पीएचडी की जब आपको डिग्री मिल रही होती है कि दो तीन एग्जामिनर हैं और आप उनके सामने अपना डिफेंस कर रहे होते हैं, इफ यू वांट टू कॉल दैट डिफेंस. अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस की वही बात थी कि यार अब वही बात है कि आई हैड एन ऑप्शन, पर्सनल बात है कि आई हैड एन ऑप्शन टू आइदर गो टू यूएस और यूके. Or I chose UK due to many reasons. Some of them might apply to other people, some of them might not. One of the major reasons was time. Or time ka ye zarurat tha ki haan, like you said ke yaar, you had an option of ke yaar, 4 saal mein khatam karna hi karna hai. Isi tarah mere paas ye tha ki ye 3 saal ki funding hai. And after that, if you want to stay, you have to arrange your own funding. Or arrange your own funding ke andar multiple cheezein hoti hain. Woh ye hoti hai ke yaar, UK mein at least teaching ki koi requirement nahi hai. Theek hai? So if you're teaching master students or bachelor students, depending on आपकी कौन सी university है, तो bachelor students को teach नहीं करते, want like RA-ship, TA-ship type की चीज होती है बाद दफा labs को आप conduct कर रहे होते हैं, उसको supervision बोलते हैं. So you get paid for that. और वो आपके घर का खर्चा और रहने का खर्चा sort of you can sort of build on towards that. ठीक है, तो वो आप fourth year में कर सकते हो. उसका फायदा ये हो रहा है इसमें कि जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका सॉर्ट ऑफ मैनेज्ड है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अटेंडिंग एनी कोर्सेज, यू डोंट हैव एनी अदर थिंग्स दैट यू हैव टू डू. सो आपको इवन एज अ स्टूडेंट यू आर अलाउड 20 आवर्स ऑफ वर्किंग इन द यूके, एटलीस्ट इट्स यूज्ड टू बी दैट और आई थिंक इट्स स्टिल दैट. कि 20 घंटे आपने काम किया, वेल 20 घंटे काम किया एक जगह और 20 घंटे काम किया यूनिवर्सिटी में, लाइक काम तो दोनों जगह करना है. So you have like a 40 hours of work set out for you. ये चीज़ आप PhD के दौरान भी कर सकते हो, but करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि obviously you're doing a PhD, तो कुछ तो पढ़ना है ना आपने. तो in that instance, you sort of get a more, I would say, in at least my experience, work-life balance में तो ज़्यादा होता है कि you don't have to continue towards your breadth first, जो होती है ना कि breadth first as in अपनी ब्रेथ पूरी कंप्लीट करनी है कि यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स बिफोर यू एक्चुअली वेंचर इनटू योर पीएचडी. ठीक है, कुछ नुकसान भी ये होते हैं कि यू लूज आउट ऑन दैट ब्रेथ. सो इफ यू आर समबडी जो कि लाइक्स टू रीड अ लॉट, लाइक्स टू नो अबाउट मेनी थिंग्स, देन यू लूज आउट ऑन दैट बिकॉज यू आर रियली फोकस्ड ऑन समथिंग. सो लाइक आई सेड, प्रोज एंड कॉन्स. सो वो भी इट्स अप ऑन यू के आर आपका वर्क लाइफ बैलेंस आप अपने आप को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं. सो दैट वॉज वन ऑफ द मेजर थिंग्स. यू आर एक तो स्ट्रक्चर्ड ज्यादा है यूएस का प्रोग्राम. So it sort of feeds you through and then say ki acha ba batao, are you good enough to research or not. And then UK ka focus bahut zyada hota hai ki the only focus that you have is your PhD thesis topic rather. Or I've heard of people jo ki aakhri saal mein aake thesis topic thoda sa change kar rahe hote hain just because they couldn't really get results or
they had to like spend 1 hour, one year extra on doing that. So teaching ki koi requirement nahi. The only requirement is for you to produce a thesis, and that's it. And that's a defendable thesis, let's put it this way. So yeah, I mean, these are the main things that I can think of. Any other questions, feel free to ask. थैंक यू सो मच. इसमें बस मैं एक चीज ऐड करूंगा, वर्क लाइफ बैलेंस के एंगल से दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अभी भी आप लोगों के लिए रेलिवेंट है एज योर अंडरग्रेड्स या ग्रेड स्टूडेंट्स, जिस भी आप लेवल पर हैं. एक बात याद रखिएगा कि किसी भी लाइफ के फेज में ये सोचना कि हम इवेंचुअली लेट्स से मैं बैचलर्स कर लूंगा तो वर्क लाइफ बैलेंस ठीक कर लूंगा, जिंदगी को भी टाइम दूंगा, फैमिली को भी टाइम दूंगा, अपने बाकी मामलात को भी और काम को भी टाइम दूंगा, या मास्टर्स कर लूंगा तो ये हो जाएगा, या पीएचडी कर लूंगा तो ये हो जाएगा. तो प्रॉब्ली मेरा और आप में से अक्सर का इस पर जो एज डिफरेंस है वो कम से कम कोई 10-15-20 साल का है. लेट मी टेल यू, ऐसा कोई टाइम नहीं आना जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस खुद आपके लिए बन जाएगा. यू नीड टू इनकल्केट इट इनटू योर लाइफ्स. यस, देयर आर प्रोग्राम्स विच आर मोर टैक्सिंग एंड मोर डिमांडिंग, जैसे कि यूएस की पीएचडी अक्सर टाइम होती है. और जैसे अवैस ने कमेंट किया कि यूके की पीएचडी के अंदर बिकॉज कोर्स वर्क नहीं है थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन पे मामला आ जाता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है. जब आपके पास कोर्सेज ना हो तो खुद से सुबह उठकर काम करने की कोशिश करना और वो शुरू करना, वो गोइंग बैक टू दैट डिस्कशन जो वी हैड अबाउट द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ हैबिट्स, इतना आसान वो भी नहीं है. यू कैन इजीली वेस्ट टाइम एंड नॉट डू एनीथिंग क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा उस टाइम के ऊपर. तो बस ये जहन में रखिएगा, अभी से अपनी लाइफ में वो वर्क लाइफ बैलेंस लाएं एज अ बैचलर स्टूडेंट, एज अ मास्टर स्टूडेंट, ताकि वो आगे भी आपके साथ साथ चले. तो वो अभी से ही आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा. सो आई होप दिस डिस्कशन वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. आई वुड लाइक टू थैंक अवैस अगेन फॉर हिज टाइम, कि ये आज की डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो गई. आज हम वो 5-10 मिनट की लिमिट में नहीं रहे बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट और हम चाह रहे थे कि एक मरतबा आपके पास ये पर्सपेक्टिव्स आ जाएं. So I hope it was useful for you. Thank you so much, Avais, again, for joining us today and for making time. My pleasure. And anytime you're welcome. Feel free to drop me a message on any social network. I have a quick question. Not any, but the ones that I'm present in, at least. थैंक यू सो मच अवैस. और आप लोग ये भी जहन में रखें कि हो सकता है कि हम इंशाल्लाह अवैस को किसी और मौके पे तंग करेंगे. ही इज एन एक्सपर्ट इन मशीन लर्निंग, ही इज एन एक्सपर्ट इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो इनका और हमारे एरिया के ओवरलैप्स बहुत हैं, एंड ही हैज हिज ओन पिक्यूलियर पर्सपेक्टिव्स ऑन थिंग्स. तो इनको शायद हम गेस्ट लेक्चर के अंदर भी जहमत देंगे बेस्ड ऑन हिज अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह. तो आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा. आई होप इट वॉज यूजफुल फॉर यू. इंशाल्लाह आपसे रिफ्लेक्शंस में अगली वीडियो में मुलाकात होती है. थैंक यू अवैस, थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज़. Thank you. Love you.